हेलो फ्रेंड, आई एम खुशी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गूगल शीट में आप एक्सेल के फॉर्मूला कैसे यूज यूज करते हो, लाइक कैसे आप यूज कर सकते हो। लाइक एक्सेल के फॉर्मूला में आपने देखा होगा, आप एक्सेल में आप एवरेज निकालते थे, सम निकालते थे, मीन निकालते थे, मैक्सिमम नंबर निकालते थे, देन काउंट निकालते थे। तो फ्रेंड, हमने वो सब एक्सेल में निकालते थे, बट हम देखेंगे गूगल शीट में भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके कैसे राइट आंसर ला सकते हैं। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में लाइक जो मैंने गूगल शीट के ऊपर जो वीडियो बनाया था, उसमें आपने देखा होगा कि लाइक मैंने आपको न्यू फीचर्स बताए थे। गूगल शीट के न्यू फीचर्स में लाइक वहाँ पे आपको डेटा सेव करने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा अल्टीमेटली सेव हो जाता है। और उसमें एक एक्स्ट्रा जो फीचर था वो था कि आपने अगर कोई वर्ड इंग्लिश में लिखा है तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। आप फॉर्मूला यूज करोगे, आप इजिली ट्रांसलेट कर पाते हो जो आप एक्सेल में नहीं कर पाते थे। तो फ्रेंड, अगर आपको उसके बारे में डिटेल थोड़ा देखना है कि लाइक कैसे आपको कैसे आप ट्रांसलेट करने वाले थे या फिर कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो, न्यू फीचर्स क्या गूगल शीट में, तो इसके लिए आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हो जो गूगल शीट का बेसिक था मेरा। तो फ्रेंड, आज हम देखते हैं लाइक गूगल शीट में आप एक्सेल के फॉर्मूला को कैसे यूज करते हो। लेट्स सी। सबसे पहले मैंने आपको फ्रेंड बताया था आपके पास आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप गूगल शीट ओपन कर सकते हो। तो फ्रेंड, आपने देखा कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, गूगल शीट टाइप किया है। टाइप करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे गूगल शीट फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट फॉर पर्सनल यूज लिख के आ रहा है। तो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे हमको पर्सनल गो टू द गूगल शीट में जाना है। फिर यहाँ से आप न्यू न्यू स्प्रेडशीट भी ले सकते हो, बट मुझे आज कुछ फॉर्मूला यूज करना है तो ऑलरेडी मैंने इस पर थोड़ा सा वर्क करके रखा है, आज हम उसमें देखते हैं। डायरेक्टली मैंने अनटाइटल स्प्रेडशीट लिया है, मैंने इस स्प्रेडशीट को कुछ नाम देके नहीं रखा है क्योंकि हम लोग इसको नाम अभी देंगे पूरा शीट कंप्लीट होने के बाद। फ्रेंड डोंट वरी, इसमें मैंने फॉर्मूला नहीं यूज किया, जस्ट आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है। आगे हम देखेंगे इसमें फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि लाइक ये जो भी शीट है इसमें क्या क्या है। सीरियल नंबर है, तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर कुछ भी लिखा नहीं है, सीरियल नंबर हम लोग अभी देंगे। देन मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा, आप देख सकते हो स्टूडेंट नेम है राम, राजा, रोहन एंड राहुल। एंड फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में इकोनॉमिक्स, मैथ्स, साइंस एंड हिस्ट्री है। देन सब्जेक्ट वाइज मैंने लिखा है कि किसको कितने मार्क्स मिले। फॉर एग्जाम्पल राम को यहाँ पे 35 मार्क्स मिला है इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में उसको 50 मिला है, साइंस में 60 एंड हिस्ट्री में 55। सेम आप देख सकते हो रोहन को इकोनॉमिक्स में 30 मिला है, मैथ्स में 55, साइंस में 30 एंड हिस्ट्री में 55। फ्रेंड इसको थोड़ा मैं और भी जूम कर देती हूँ सो देट आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाई देगा। आई होप अभी आपको क्लियर होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे स्टूडेंट के नेम के थ्रू जो भी नेम मैंने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट्स है, अकॉर्डिंग टू दैट मैंने सबको मार्क्स दे के रखा है। अब हम देखते हैं कि इस मार्क्स को टैली कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टोटल निकालना है तो आप टोटल कैसे निकालोगे। टोटल निकालने के पहले हम सीरियल नंबर यहाँ पे दे देते हैं। तो फ्रेंड सपोज यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर 1 दे दिया, 1 एंड 2 दे के रखा है। आगे आपको ड्रैग करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो मेरा गूगल शीट का पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था। हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट पेज डाउन या फिर एरो यूज करना होता है। देन यहाँ पे जो भी ब्लू टाइप का दिख रहा है आप उसको ड्रैग करोगे तो आप देखोगे आपका सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फ्रेंड मैंने यहाँ पे चार ही नाम लिखा है इसलिए 4 आया है। अगर आप और भी आपके पास 10-15 जो भी नंबर होंगे आप डायरेक्टली ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपके पास सीरियल नंबर आ जाएगा। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं टोटल कैसे निकालना होता है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है टोटल, एंड टोटल को हम सम सम भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सम इन ब्रैकेट, तो आपको कंफ्यूज ना हो। तो फ्रेंड गूगल शीट में या फिर एक्सेल में आप जो भी फॉर्मूला यूज करते हो, फॉर्मूला हमारा स्टार्ट होता है इक्वल टू से। ये इक्वल टू का साइन है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा इक्वल टू का साइन है ये। तो फ्रेंड इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, पहला लिखेंगे हम लोग सम ब्रैकेट। देन सम का वैल्यू आपको कहाँ से फाइंड आउट करना है, वैल्यू आप नाम का तो वैल्यू निकालोगे नहीं, जो नंबर से उसका वैल्यू निकालोगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइक अगर मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया तो ओनली फर्स्ट आ रहा है, सेकंड पे किया तो सेकंड क्लिक हो रहा है, मुझे सारे नंबर देने। तो यहाँ पे मैंने रखा, देन शिफ्ट करके आप एरो की यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ तक क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे C2 एंड F2 दिखा रहा है। C2 मतलब क्या होगा, सी मतलब इकोनॉमिक मेरा कौन सा इसमें आ रहा है, सी में आ रहा है। आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे सी है, बट फ्रेंड यहाँ पे C2 आ रहा है। C2 क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे सेकेंड में आ रहा है। तो ये मेरा क्या है C2। देन F2 मतलब, F मतलब मैंने कहाँ तक नंबर लिया, हिस्ट्री तक का लिया। हिस्ट्री कौन से कॉलम है मेरा, F में। ये भी F2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेकेंड है। ये होने के बाद मैंने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको एंटर करना है। तो फ्रेंड आपको सम नंबर आपका
आ गया, तो सम कितना है। सेकेंड आपको फिर से एक सेम एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करके हमको यूज करना है इक्वल टू सम देन ब्रैकेट में कहाँ से वैल्यू लेना है, कहाँ पे नंबरिंग है आपका, नंबर मेरा फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक्स है, देन मुझे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के लिए Shift+10 एरो की मैंने यूज किया, सिलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, तो मेरा वैल्यू आ गया। फ्रेंड अगर आपने एक का वैल्यू निकाल लिया तो आपको बार बार वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप ड्रैग करके सबके वैल्यू कर सकते हो अगर आपका सेम आप सम का ही निकाल रहे हो तो। फ्रेंड आई होप आपको सम समझ में आया, सम इट मीन्स क्या होगा टोटल, और इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इक्वल टू सम देन जो वैल्यू आपको चाहिए वो वैल्यू लेके, जहां से लेके जहां तक का वैल्यू चाहिए वो लेके आपने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया देन एंटर प्रेस किया, तो आपको उसका वैल्यू आ जाएगा। फ्रेंड अब हम देखते हैं एवरेज कैसे निकालना है। एवरेज फ्रेंड एवरेज के लिए भी अगेन आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इक्वल टू, आप ध्यान रखिए आप गूगल शीट में या फिर एक्सेल में जो भी फॉर्मूला यूज करते हो आपका फॉर्मूला स्टार्ट होगा इक्वल टू से ही स्टार्ट होगा, तो इक्वल टू मैंने क्या लिखा यहाँ पे एवरेज, देन यहाँ पे भी लिख के आ रहा है, आप यहाँ से भी स्पेलिंग वगैरह ले सकते हो, सपोज मैंने एवरेज ले लिया यहाँ पे एंड ब्रैकेट, मुझे किसका किसका एवरेज चाहिए इकोनॉमिक्स से लेके हिस्ट्री तक, फ्रेंड यहाँ पे मैं टोटल नहीं लूंगी, यहाँ पे मुझे टोटल शीट का वैल्यू नहीं लेना है, मुझे इकोनॉमिक्स से हिस्ट्री का ही सब निकालना है, तो मैं क्या करूंगी अगेन मैंने क्या किया शिफ्ट एंड एरो की यूज करके इसको सिलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे भी देख रहे हो CT2, C2 से कहाँ तक है F2 तक, C2 आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, C में इकोनॉमिक्स है, F यहाँ पे, 2 यहाँ पे क्यों है क्योंकि मैंने इसका वैल्यू निकाला है, देन फ्रेंड मैंने यहाँ पे क्या किया एंटर किया, आपने देखा यहाँ पे मुझे एवरेज वैल्यू मिल गया, एवरेज कितना आया 50, तो फ्रेंड अभी एक का आपने निकाला एवरेज, अभी मैं क्या करूँगी इसको स्क्रोल करके बाकी का भी एवरेज सबका आ गया, तो आई होप एवरेज भी आपको क्लियर है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है इक्वल टू एवरेज देन कहाँ से कहाँ तक का आपको एवरेज निकालना है वो लिख के ब्रैकेट आपको क्लोज करना है देन आपको एंटर प्रेस करना है। देन एवरेज भी आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं मिनिमम, आपको मिनिमम मार्क्स निकालना है, मिनिमम कितने नंबर्स हैं या फिर कितने मार्क्स हैं, अगेन फ्रेंड फॉर्मूला क्या होगा इक्वल टू MIN शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो, मैंने मिनी MIN लिखा, ब्रैकेट मिनिमम कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, शिफ्ट करके मैंने क्या किया एरो पे यूज किया ब्रैकेट यूज, तो फ्रेंड यहाँ पे मिनिमम नंबर मेरा कितना है 35, अगर आपको नहीं समझा तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, अब आप ये टोटल एवरेज एंड ये सबको भूल के आप यहाँ पे देखो 35, 50, 60 एंड 55 में मिनिमम सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो फ्रेंड वो 35 है, तो आंसर भी हमारा क्या है 35। अब हम क्या करेंगे सेम स्क्रॉल कर लेंगे, ड्रैग करने के बाद आपको मिल जाएगा, इसको भी मैंने आपको दिखा देती हूँ मिनिमम क्या है इसमें 40, 60, 50 एंड 35 से मिनिमम क्या है 35, तो हमारा आंसर भी क्या है राइट है, यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 30, 55, 30 एंड 55, 30 सेम है तो सबसे छोटा 30 ही है वैसे भी, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका 30, यहाँ पे सबसे छोटा क्या है मिनिमम नंबर क्या है सबसे 45, 35, 55, 50, छोटा क्या आपका 35, तो फ्रेंड आप आंसर दे सकते हो आपका मिनिमम नंबर भी कितना आया 35। अब हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम मैक्सिमम के लिए अगेन फॉर्मूला क्या होगा इक्वल टू मैक्स शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर सकते हो, शिफ्ट एरो की का हेल्प लेके मैंने क्या किया सिलेक्ट किया फ्रेंड मुझे मैक्सिमम नंबर मिल गया, अगेन आप यहाँ पे दे सकते हो 35, 50, 60 एंड 55 से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है 60, आंसर मेरा 60 है, मैं क्या करूँगी यहाँ पे ड्रैग किया मुझे आंसर आ जाएंगे, यहाँ पे भी सबसे बड़ा क्या है राजू को सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें मिला है 40, 60, 50, 35, 60 मार्क्स सबसे ज्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हो रोहन का 30, 55, 30, 55, 170, 50, 55 सेम है एंड आई होप 30, 30 से 55 बड़ा ही है, तो 55 इज अ मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे भी आप देखोगे राहुल यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना है 55 आया, 45, 35, 55, 50 सबसे बड़ा क्या है 55, तो ये हमारा क्या होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा नंबर सबसे ज्यादा नंबर और मिनिमम मतलब सबसे कम नंबर किसमें आया है, तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम एंड मिनिमम। लास्ट फॉर्मूला हम देखते हैं काउंट,
काउंट बता, आपको रो काउंट करके देगा कितने काउंटिंग में है आपका। अगेन फॉर्मूला क्या होगा आपका, सेम इक्वल टू काउंट ब्रैकेट, किसका काउंट निकालना है आपको, शिफ्ट करके मैंने क्या किया ब्रैकेट। मैंने यहाँ पे फोर काउंट दिखा रहा है, फोर काउंट क्यों, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट कितने फोर है, वन टू थ्री फोर। सपोज यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी या फिर एक दो और सब्जेक्ट के नेम लिखे होते तो उतने काउंट उसमें ऐड हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट काउंट सबके लिए सेम होगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही सेम है, मैंने चार ही सब्जेक्ट लिए तो काउंट भी मेरा फोर आएगा। फ्रेंड आई होप आपको समझा मैंने कौन कौन से फॉर्मूला यूज किए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सब मतलब क्या होगा टोटल। इसके लिए फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे, इक्वल टू सम एंड ब्रैकेट में आपको कहाँ से कहाँ तक वो वैल्यू ऐड करना है, किसका टोटल आपको चाहिए वो आप करोगे, देन आप एंटर प्रेस करोगे आपको सम आ जाएगा। एक का वैल्यू आने के बाद आप बस ड्रैग करोगे तो सबके वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगा क्योंकि आपने फॉर्मूला लगा के रखा है वहाँ पे। एवरेज, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल टू एवरेज। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर आप एक्सेल या फिर गूगल शीट यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला के लिए आपको इक्वल टू ही लगाना है, हर एक का फॉर्मूला स्टार्ट होगा वो इक्वल से ही स्टार्ट होगा। तो फिर ये एवरेज का फॉर्मूला था, इक्वल टू एवरेज, देन कहाँ से कहाँ तक आपको एवरेज चाहिए वो सिलेक्ट करना है। मिनिमम मतलब सबसे कम नंबर या फिर सबसे छोटा नंबर क्या है, जो भी मार्क्स आपने उसमें से दिया है तो आपको मिनिमम भी मिल जाएगा, मिनिमम का फॉर्मूला इक्वल टू मिनी, देन जो कहाँ से कहाँ तक का मिनिमम देखना है, सेम मैक्सिमम इक्वल टू मैच, देन आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एंटर करोगे। काउंट मतलब कितने काउंट है, मैंने यहाँ पे फोर सब्जेक्ट्स लिए थे, वन टू थ्री फोर, तो काउंट भी कितना आया मेरा, फोर आया। आपको फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, सपोज मुझे इसका पूरा टोटल चाहिए तो टोटल के लिए फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू सम ब्रैकेट, शिफ्ट करके मैंने क्या किया एरो की, पेज का सम आ गया टोटल वैल्यू। इसका एवरेज निकालना है, ये चारों का एवरेज निकालना है, तो इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज, इसका वैल्यू आ गया मिनिमम इक्वल टू मिनी मिन आ गया मिनिमम मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स मैक्सिमम आ गया। काउंट तो सेम आएगा क्योंकि अगेन सब्जेक्ट सेम था, बट स्टिल हम फॉर्मूला देख लेते हैं, काउंट ब्रैकेट सो फ्रेंड ये था टोटल सम एवरेज फॉर्मूला, ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मिनिमम मेन लिया शॉर्ट फॉर्म, मैक्सिमम एम ए एक्स किया आपने मैक्स, एंड काउंट का सी ओ यू एन। तो फ्रेंड ये तो हमने डेटा बना लिया, अब आपने देखा होगा इसको मैंने मेन हेडिंग में दिया है क्या है, लाइक यहाँ पे मैं नेम भी चेंज कर देती हूँ सो दैट डॉक्यूमेंट सेव होगा, तो आप इजी फाइंड आउट कर पाओगे कि मैंने क्या नाम दिया था। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट्स डिटेल्स, स्टूडेंट्स मार्क, स्टूडेंट्स डिटेल रख सकते हैं, स्टूडेंट्स डिटेल। फ्रेंड मुझे इसको भी हेडिंग देना क्योंकि उसको समझ में, अरे शीट देके आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैंने इसको एक प्रॉपर हेडिंग नहीं दिया है। तो हेडिंग के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आके राइट क्लिक किया, इंसर्ट रो कर दिया, आपने देखा यहाँ पे इंसर्ट रो हो गया। अभी मैं कहीं पे भी लिख देती हूँ स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक मर्ज करना है, नहीं तो पूरा मर्ज हो जाएगा। और मेरा काउंटडाउन क्लास था ये, फिर ये मर्ज सेल है, इससे मैंने क्लिक किया तो आपने देखा ये मेरा कहाँ पे आ गया, मिडिल में आ गया स्टूडेंट मार्क लिस्ट, आगे नहीं गया। अरे फ्रेंड मुझे इसको एक प्रॉपर बॉर्डर भी देना है सो दैट थोड़ा अच्छा लुक आएगा, इसके लिए मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी बॉर्डर्स के लाइक टाइप है आपको कौन से बॉर्डर चाहिए, तो मैंने ये बॉर्डर सिलेक्ट किया, आपने देखा मेरे यहाँ पे पेज बॉर्डर भी सिलेक्ट हो गए, कितना था
थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा और भी विजिबल होगा। आगे मैंने क्या किया, शिफ्ट करके एरो को लेके सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। तो आई होप अभी आपको सारे नंबर्स विजिबल हैं। इसको सिलेक्ट करके हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, बट बोल्ड ही दिखता है, नॉर्मल पहले वाला ही सही था। फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह में ऐसा आपको चाहिए। फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया कि हमने लाइक एक्सेल जैसा सेम फॉर्मूला हमने गूगल शीट में कैसे यूज किया। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट डिटेल लिखा था, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट मार्क लिस्ट डाल दी थी। फ्रेंड मार्क लिस्ट डिटेल तो दैट मुझे पता चलेगा ये चीज़ मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स पर एंटर किया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।